हाल गणेशोत्सवनो त्यौहार चाली रह्यो छे त्यारे अनेक लोको द्वारा अवनवी रीते श्रीजीनी प्रतिमाओनी स्थापना कराई छे। सूरतमां एक तबीबे 201 नारियेळथी श्रीजीनी प्रतिमा बनावी तेनी स्थापना करी छे। श्रीजीनी प्रतिमा हाल भक्तोमां पण आकर्षणनुं केन्द्र बनी छे। व्यवसाय डॉक्टर अदिति मित्तले दर वर्षनी जेम अनोखा गणपति बनाव्या छे। दर वखते कंईक अलग करवा मांगती अदितिए आ वखते सुक्का नारियेळमांथी गणपतिजीनी मूर्ति बनावी छे। डुम्मस रोड पर आवेला वीआर मॉलमां तेनी पूजा करी हती। डॉक्टर अदिति मित्तले जणाव्युं हतुं के दर वखतनी जेम तेमणे आवा गणपति बनाववाना हता जे पाछळथी उपयोगी थई शके। आ माटे तेमणे नारियेळनुं फळ पसंद कर्युं हतुं। तेमनी कलानो नमूनो जोईने तेमणे 201 नारियेळ उतार कोतर्या अने तेमना पर हिंदू धर्मना प्रतीको अने देवी देवताओना चित्रो बनाव्या हता। तेने बनाववा माटे कुल 5 दिवस लाग्या हता। વધુમાં ડોક્ટર અદિતિ મિત્તલે જણાવ્યું હતું કે આ અનોખી ગણપતિ મૂર્તિમાં કોવિડને કારણે થયેલી સ્થિતિને કારણે તમામ દેવી દેવતાઓની તસવીર બનાવી હતી, જેથી બધાનો સમાવેશ પર્યાવરણને શુદ્ધ કરે અને રોગચાળામાંથી મુક્તિ મળે। વિસર્જન પછી તમામ નાળિયેરને પ્રસાદ તરીકે વહેંચાશે। જી, આપનું નામ? નમસ્તે, મેરા નામ ડોક્ટર અદિતિ મિત્તલ હૈ और इस साल मैंने इको फ्रेंडली गणेशा 201 कोकोनट को लेकर बनाया है। उन सभी 201 कोकोनट पे मैंने देवी देवताओं को और हिंदी संस्कृति के सारे साइंस एंड सिंबल्स को अंकित किया है। ये 10 दिन की पूजा के बाद विसर्जन में प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। जैसे कि हम गणेश जी की पूजा सबसे पहले करते हैं, वैसे ही घट को हम सबसे पहले पधारते हैं कोई भी शुभ काम करने के पहले, क्योंकि जो घट है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक होता है और घट बाहर से जितना कठोर होता है उतना ही अंदर से वो प्योर वाइट होता है। तो उसके साथ ये संदेश भी जाता है कि हमें अपनी सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ निकाल के हमें भी एकदम प्योर वाइट गुडनेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए।